हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कठपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके की, क्योंकि जो आपका टॉपिक है आर यूलेट और यूलेट में, दोनों में ही राजस्थान जीके इंडियन जीके का आपका सिलेबस है। तो आज हम पहले राजस्थान जीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बताया भी था आपको सिलेबस में कि जो लोग भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जीके फ्री में पढ़ेंगे, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक वो भी सभी फ्री में पढ़ेंगे जीके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बाकी जो पेड ऑफ कोर्स के बारे में हमने बताया था, अगर अभी किसी को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट्स वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अभी हम आयुलेट और यूलेट की राजस्थान जीके से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान जीके में आपका जो राजस्थान हाई कोर्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और साथ ही में अगर हम बात करें कि जो आपका राजस्थान जीके है, अगर राजस्थान का जब एंट्रेंस एग्जाम है तो राजस्थान के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, और फिर लॉ से रिलेटेड एग्जाम है तो हाईकोर्ट के बारे में पूछा जाना बहुत बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, कि वहां से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो हम क्यों छोड़े, तो हम पहले राजस्थान हाईकोर्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानने पड़ेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट बनाने से पहले क्या हुआ था। देखिए, जैसे ही हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान बना। ठीक है, राजस्थान जब बना, राजस्थान कब बना था, 30 मार्च 1949 को राजस्थान बन गया था। ठीक है, तो तब ही एक समिति का गठन हुआ। समिति में कौन कौन थे, श्री बी आर पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल टीसी पुरी, एसपी सिंह, एक समिति थी इन लोगों की, और उन्होंने सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जो आपका राजस्थान है उसकी जो राजधानी है वो जयपुर होनी चाहिए, और जो उसका मुख्यालय है राजस्थान हाईकोर्ट का वो जोधपुर के अंदर स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में। तो अब आप बोलेंगे कि जयपुर में भी है, तो जयपुर में क्या है, उसकी पीठ है। ठीक है, तो यहां से हम समझेंगे। देखिए, जैसे ही राजस्थान राज्य का गठन हुआ 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च को हो गया था, उसके बाद हाईकोर्ट की भी इसी सिफारिश के आधार पर भी 21 जून 1949 को अध्यादेश कौन सा था, 1949। ठीक है, राजस्थान का जो हाईकोर्ट था उसका निर्माण हो चुका था, मीन्स गठन हो चुका था। ठीक है, पर जो उसके न्यायाधीश थे उनको कब मतलब शपथ दिलाई, तो देखो, राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। ठीक है, शपथ कब दिलाई थी, 29 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी, आप नोट कर लीजिए। एक समिति थी, श्री बी आर पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल टीसी पुरी, एसपी सिंह की एक समिति थी, उनकी सिफारिश के आधार पर जो राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय है वो जोधपुर रखा गया, और जो उसकी राजधानी है वो जयपुर रखी गई। ठीक है, और फिर जब राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को, और हाईकोर्ट का जब निर्माण कब हुआ था, 21 जून 1949 को, अध्यादेश कौन सा था, 1949। ठीक है, फिर 11 न्यायाधीशों को शपथ किसने दिलाई थी, क्वेश्चन बन सकता है, कब दिलाई थी, तो डेट सवाई मानसिंह जी ने दिलाई थी, राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा, और कौन सी डेट को, 29 अगस्त 1949 को। ठीक है, अब ये यहां तक हो गया जोधपुर मुख्यालय की बात। ठीक है, ये जोधपुर मुख्यालय, ठीक है, 21 जून को बना था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब समय बदला, थोड़ा चेंजेस आए, तो जैसे राजधानी होती है मेन, वही हाईकोर्ट्स होते हैं। ठीक है, पर जयपुर में तो था ही नहीं, जोधपुर में मुख्यालय था, तो जयपुर में एक पीठ बनाई गई। ठीक है, जयपुर में एक बेंच, ठीक है, इसकी क्या अगर हम बात करें कि इसकी एक यहाँ पे भी शाखा चलेगी, ठीक है, ब्रांच बनाई गई एक, कि 31 जनवरी 1977 में। ठीक है, कि एक आपका जो मेन हेड ऑफिस रहेगा वो जोधपुर, और जो इसकी ब्रांच रहेगी वो जयपुर। ठीक है, फिर उसके 31 जनवरी 1977 में। ठीक है, उसके बाद जब जयपुर में भी काम स्टार्ट हो गया और जोधपुर में भी, दोनों जगह काम चलने लगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, प्रथम कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
कमलकांत वर्मा, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर है कि न्यायाधीशों की संख्या कहाँ तक हो सकती है राजस्थान हाईकोर्ट में, देखिए 50 तक हो सकती है। स्टार्टिंग में 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी, उसके बाद ठीक है इसमें लिखा भी हुआ है, जैसे हम इसकी पढ़ते हैं कि 50 न्यायाधीशों तक इसकी संख्या हो सकती है। ठीक है, वर्तमान में कौन जज है, अगर हम बात कर ले वर्तमान में कौन है राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसके, देखो न्यायाधीश पंकज मित्तल है 40वें न्यायाधीश है। ठीक है, इनका कार्य प्रारंभ कब हुआ था, 14 अक्टूबर 2022 से वर्तमान। ठीक है, अभी चेंज नहीं हुए हैं, तो आप लिख लीजिए, नोट करते चलिए क्योंकि सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर देखो जोधपुर राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना 24 जनवरी 2007 को हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके लिए जोधपुर के हाईकोर्ट में जो न्यू बिल्डिंग, पहले जो पुरानी थी उसको रिन्यू करके एक न्यू बनाई गई। ठीक है, न्यू बिल्डिंग का लोकार्पण किसने किया, राष्ट्रपति द्वारा 7 दिसंबर 2019 को किया गया। ठीक है, इसमें कितने कक्ष है, 22 न्यायालय कक्ष है और जयपुर और जोधपुर दोनों के मिला के 46। ठीक है, मतलब दोनों के, मतलब जयपुर भी और जोधपुर भी दोनों के मिला के बताया 46 न्यायालय कक्ष है। राजस्थान राज्य में कुल 36 न्याय क्षेत्र कार्यरत हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट्स है सारी चीजें, आप नोट करते चलें। ठीक है, तो 36 न्याय क्षेत्र कार्यरत हैं, जिसमें से 1250 से अधिक अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो सबोर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, सबोर्डिनेट कोर्ट स्थित है कितने, 1250। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल है आपके, मतलब पूरा एक वैसे तो चैप्टर ही है ये पूरा, पर देखो हम समझेंगे आर्टिकल 214 और 231। देखो 214 और 231 में ऐसा क्या लिखा है हाई कोर्ट के बारे में, देखो जो 214 है इसमें लिखा गया कि एक राज्य सरकार को एक जो एक राज्य में एक ही कोर्ट होगा, कौन सा, हाई कोर्ट। ठीक है, पर फिर 231 में लिखा कि संसद को ऐसा अधिकार है कि एक राज्य में दो हाई कोर्ट भी निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ये दोनों आर्टिकल प्लस में ये सारी चीजें नोट कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आगे भी जीके की क्लासेस डेली बेसिस रहेंगे आपकी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।